वीडियोस के अलावा हमने मोबाइल ऐप भी तैयार की है जिसे डाउनलोड करके आप उससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं या फिर हिंदी से इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इस ऐप में इंग्लिश और हिंदी के हर चरण को कवर किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 150 अध्याय हैं जो आपकी इंग्लिश जल्द से जल्द सुधार देंगे। इसे डाउनलोड करना काफी आसान है, आप ऐप स्टोर में जाके लिंगो सेलर टाइप करें और डाउनलोड कर लें। आइए इस वीडियो को एक नए शब्द के साथ शुरू करते हैं जो है बुलाना या फोन करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू कॉल, CALL कॉल, या फिर टू फोन, PHONE फोन। इसका उपयोग नाम के संबंध में भी होता है पर उसे हम बाद में देखेंगे। अब बताइए कैसे कहेंगे कि पुलिस को अभी बुलाओ या पुलिस को अभी फोन करो। कॉल द पुलिस नाउ, कॉल द पुलिस नाउ। कॉल का भूतकाल है कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। अब इस वाक्य को देखिए, उसने मुझे कल बुलाया, या फिर इसी वाक्य को इसी को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, उसने मुझे कल फोन किया। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, यस्टरडे बीते हुए कल की बात हो रही है यहां पे। ही कॉल्ड मी यस्टरडे। मैं उसे नहीं बुला सकता या फिर मैं उसे फोन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कॉल हिम। जब उसने फोन किया मैं वहां नहीं था। जब उसने फोन किया, व्हेन ही कॉल्ड मी आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। जब उसने फोन किया मैं वहां नहीं था। व्हेन ही कॉल्ड मी आई वॉज नॉट देयर। नाम यानी नेम, NAME नेम। मेरा नाम जॉन है, माई नेम इज जॉन। उसे रात के खाने के लिए बुलाना जरूरी है, जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट, किस लिए? टू कॉल हिम फॉर डिनर, उसे रात के खाने में बुलाना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कॉल हिम फॉर डिनर। क्या आपको ये दो शब्द याद हैं? मैं चाहता था और मैंने किया था। मैं चाहता था को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉन्टेड। और मैंने किया था को कहेंगे आई डिड। तो अब इस वाक्य को देखिए जो आपके लिए काफी आसान होना चाहिए। मैं उसे फोन करना चाहता था पर मैंने नहीं किया। मैं उसे फोन करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कॉल हिम, पर यानी बट मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट। मैं उसे फोन करना चाहता था पर मैंने नहीं किया, आई वॉन्टेड टू कॉल हिम बट आई डिड नॉट। मैंने उसे फोन नहीं किया क्योंकि मैं चिंतित था। मैंने उसे फोन नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल हिम, क्योंकि बिकॉज मैं चिंतित था। आई वॉज वरीड, वरीड, वरी यानी चिंता। मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड। आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? बुलाना, जैसे कि आपने देखा, इसे कहते हैं टू कॉल और टू टेलीफोन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आई कॉल्ड हिम या फिर आई फोन्ड हिम। इस वाक्य को देखिए, मुझे फोन करना चाहिए था, आई शुड हैव कॉल्ड, या फिर आई शुड हैव फोन्ड। आइए कुछ क्रियाओं को देखते हैं और उनके भूतकाल
किस प्रकार से होते हैं वह भी देखते हैं। रद्द करना यानी कैंसिल, आप टिकट कैंसिल कर देते हैं प्लेन की, ट्रेन की या बस की, हर किसी चीज की भी, किसी काम जो होने वाला था उसे आप रद्द कर दें, कैंसिल कर दें, तो उसे कहेंगे इंग्लिश में कैंसिल, CANCEL। और इसका भूतकाल है कैंसल्ड, CANCELED, कैंसल्ड। आदर करना ऑनर, HONOR। यहां पे ऑनर में आपको एच सुनाई नहीं देगा, ऐसे ही एच जो सुनाई नहीं देता शब्द उसे कहते हैं साइलेंट है, एच इस शब्द में साइलेंट है, यानी है जरूर लेकिन सुनाई नहीं देता। सो HONOR का उच्चारण होगा ऑनर, और इसका भूतकाल है ऑनर्ड, HONOREED। भुगतना यानी यहां पे हम भुगतने का अर्थ है हमारा तकलीफ उठाना, यानी सफर, SUFFER, सफर, और इसका भूतकाल होगा सफर्ड। इन सब क्रियाओं के अर्थ हम और उपयोग हम आगे वाक्यों में देखेंगे। चलिए चौथी क्रिया जो है वह है यात्रा, यात्रा यानी ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल, और इसका भूतकाल होगा ट्रैवल्ड, TRAVELED, ट्रैवल। आइए पहली क्रिया पर दोबारा से चलते हैं जो थी रद्द करना या टू कैंसल, और जिसका भूतकाल है कैंसल्ड। आपने टिकट क्यों रद्द कर दिया? आपने क्या कर दिया? टिकट रद्द कर दिया, क्यों? Why did you cancel the ticket? आगे बढ़ते हैं, आरक्षण, आरक्षण जिस प्रकार से कैंसिल है उसी प्रकार से ट्रेन में आप सीट का क्या करते हैं, आरक्षण करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिजर्वेशन। आप आमतौर पर देखते हैं रिजर्वेशन का चार्ट लग गया है कि नहीं, शीट, रिजर्वेशन शीट लग गई है कि नहीं। जी हाँ, हम उसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जो कि ट्रेन में भी होती है, होटल में भी होती है, और हवाई यात्रा में भी आप टिकट रिजर्व करते हैं। इस वाक्य को देखिए, मैंने अपना होटल आरक्षण रद्द कर दिया। एक बार फिर से रद्द करने की बात हो रही है, यानी कैंसिल होने की बात हो रही है। इसका अनुवाद होगा आई कैंसल्ड, यानी मैंने रद्द कर दिया माय होटल रिजर्वेशन, मेरे होटल का रिजर्वेशन। मैंने अपना होटल आरक्षण रद्द कर दिया, आई कैंसल्ड माय होटल रिजर्वेशन। आपने टिकट क्यों रद्द कर दिया? व्हाई डिड यू कैंसिल द टिकट? मैंने ट्रेन की टिकट रद्द कर दी है, आई हैव कैंसल द ट्रेन टिकट। उम्मीद है इन वाक्यों के साथ आपको रद्द कर देना का अर्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे अगली क्रिया थी हमारे आदर करना, आदर करना जिसे कहते हैं ऑनर, HONOR। और इस ऑनर के दो तरह के स्पेलिंग होते हैं, सारी दुनिया में हम ऑनर को स्पेलिंग करते हैं, स्पेल करते हैं HONOUR, लेकिन अमेरिका में इसको अलग प्रकार से स्पेलिंग इसकी की जाती है, जो है HONOR। आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे आप ठीक समझें। आइए इस वाक्य को देखिए, यहां पर होना सम्मानजनक है, सम्मानजनक यानी ऑनर, यहां पर होना, इट इज ए ऑनर टू बी हेयर, यहां पर होना मतलब टू बी हेयर क्या है, सम्मानजनक है, इट इज ए ऑनर, सो इट इज ए ऑनर टू बी हेयर। आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान है, मेरे लिए सम्मान है, इट इज माय ऑनर, क्या चीज, आपके साथ काम करना, टू वर्क विद यू, इट इज माय ऑनर टू वर्क विद यू।
और एक वाक्य, सेमिनार के बाद हमने शिक्षक का सम्मान किया. We honored our teacher after the seminar. मेरे पिता का राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया गया था. My father was honored. मेरे पिता का सम्मान किया गया था किसके द्वारा? By the president, राष्ट्रपति के द्वारा. My father was honored by the president. जैसा कि अभी आपने सीखा, भुगतना यानी to suffer. भुगतना से हमारा मतलब है तकलीफ उठाना. Suffer, S-U-F-F-E-R, और इसका भूतकाल है suffered, S-U-F-F-E-R-E-D, suffered. सर्दियों के मौसम को कहते हैं winter, W-I-N-T-E-R, winter. गर्मियों को हम कहते हैं समर, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, S-U-M-M-E-R. अब इस वाक्य को देखिए, मुझे सर्दियों में ठंड की वजह से कष्ट भुगतना पड़ता है. कई लोग होते हैं जिनको सर्दियां सूट नहीं करती तो उन्हें तकलीफ होती है, ये उन्हीं के बारे में है. मुझे सर्दियों में ठंड की वजह से कष्ट भुगतना पड़ता है. आई सफर इन विंटर बिकॉज ऑफ कोल्ड. आई सफर इन विंटर बिकॉज ऑफ कोल्ड. अगला वाक्य, क्योंकि वह बहुत सुस्त था उसे कष्ट भुगतना पड़ा. ही सफर्ड यानी उसे कष्ट भुगतना पड़ा क्योंकि, बिकॉज, ही वॉज वेरी स्लो, वह बहुत सुस्त था. सुस्त से दो प्रकार के सुस्त होते हैं, एक होता है लेजी और एक है स्लो. दोनों के लिए हिंदी में एक ही शब्द है सुस्त. क्योंकि वह सुस्त था उसे कष्ट भुगतना पड़ा. ही सफर्ड बिकॉज ही वॉज वेरी स्लो. मेरी पत्नी सर्दियों में जुकाम से पीड़ित रहती है. माई वाइफ सफर्स, पीड़ित रहती है यानी सफर्स यानी तकलीफ उठाती है. माई वाइफ सफर्स फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड यानी जुकाम, फ्रॉम कोल्ड यानी जुकाम. इन विंटर, माई वाइफ सफर्स फ्रॉम कोल्ड इन विंटर. तीन नए शब्द यहां पे सीखते हैं. पैर, जिसे कहते हैं फुट, F-O-O-T, फुट. एक पैर को कहते हैं फुट और पैरों को कहते हैं फीट, F-E-E-T, फीट. और लात या टांग को कहते हैं लेग, L-E-G. और दर्द को कहते हैं पेन, P-A-I-N, पेन. इस वाक्य का अनुवाद कीजिए, मेरी पत्नी को टांग में दर्द हुआ. माय वाइफ सफर्ड पेन इन हर लेग. माय वाइफ सफर्ड पेन इन हर लेग. नया शब्द यात्रा, जिसे कहते हैं ट्रैवल, T-R-A-V-E-L, ट्रैवल. और जिसका भूतकाल है ट्रैवल्ड, T-R-A-V-E-L-E-D. आइए इस वाक्य को देखिए, पिछले साल हमने मेक्सिको की यात्रा की. हमने यात्रा की, वी ट्रेवल्ड. पिछले साल, लास्ट ईयर. कहाँ? टू मेक्सिको. वी ट्रेवल्ड टू मेक्सिको लास्ट ईयर. वी ट्रेवल्ड टू मेक्सिको लास्ट ईयर. एक और नया शब्द जो है योजना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्लान. मैं ये योजना बना रहा हूं, मैं ये प्लान कर रहा हूं. जी हाँ, वही योजना. इस वाक्य को देखिए, मेरी अगले सप्ताह हैम्बर्ग की यात्रा करने की योजना है. अगले सप्ताह मेरी अगले सप्ताह हैम्बर्ग की यात्रा करने की योजना है. आई प्लान टू ट्रैवल टू हैम्बर्ग नेक्स्ट वीक. आई प्लान यानी मेरी योजना है टू ट्रैवल यानी यात्रा करने की. कहाँ? टू हैम्बर्ग. कब? अगले हफ्ते,
next week. I plan to travel to Hamburg next week. हमने सेमिनार के लिए एक साथ मैड्रिड की यात्रा की. एक साथ आप जानते हैं जिसे कहते हैं टुगेदर, TOGETHER, यानी एक साथ. वी ट्रेवल टुगेदर, हमने एक साथ यात्रा की. कहाँ की? टू मैड्रिड, मैड्रिड की. किस चीज के लिए? सेमिनार के लिए, फॉर द सेमिनार. वी ट्रेवल टुगेदर टू मैड्रिड फॉर द सेमिनार. अभी अभी आपने सीखा कि पैर को कहते हैं फुट, तो इस वाक्य का अनुवाद करने की कोशिश कीजिए. पैदल यात्रा करना अधिक आनंददायक है. पैदल यात्रा करना यानी ट्रैवलिंग ऑन फुट. क्या है? अधिक, इज मच मोर, आनंददायक यानी फन. ट्रैवलिंग ऑन फुट इज मच मोर फन. फिर से एक नया शब्द, याद करना. याद करना यानी टू रिमेंबर, रिमेंबर, याद करना, रिमेंबर, और इसका भूतकाल है रिमेंबर्ड. इस वाक्य को देखिए. मुझे याद है कि हम एक साथ स्कूल गए थे. मुझे याद है यानी आई रिमेंबर कि, दैट, हम एक साथ स्कूल गए थे. वी वेंट to school together. I remember that. मुझे याद है कि we went to school together. हम एक साथ स्कूल गए थे. क्या आपको घटना याद है? घटना यानी incident. INCIDENT, घटना. Do you remember the incident? क्या आपको घटना याद है? Do you remember the incident? उसे घटना याद थी. He remembered the incident. मुझे फोन करना चाहिए था. I should have called. या फिर I should have phoned. आप किससे बात करना चाहेंगे? Who would you like to speak to? मैं आपको दर्द के लिए कुछ दे सकता हूँ. आई कैन गिव यू समथिंग फॉर पेन, दर्द यानी पेन, कुछ, समथिंग. आई कैन गिव यू समथिंग फॉर पेन. मैं अपनी कार में यात्रा करना बेहतर समझता हूँ. बेहतर, अभी आपने सीखा, जिसे कहते हैं बेटर या फिर प्रेफर. आई प्रेफर to travel in my car. क्या आपके पास परसों समय है? So, क्या आपके पास है? Do you have, क्या, समय, the time, कब? परसों. परसों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Day after tomorrow. कल को कहते हैं tomorrow और परसों day after tomorrow. अगले वाक्य पे चलते हैं. मैं तैर नहीं सकता, मेरी टांग टूटी हुई है. मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम. मेरी टांग टूटी हुई है, माई लेग इज ब्रोकन. आइए अब समय है अभ्यास करने का उन सारे वाक्यों का जो हमने इस वीडियो में सीखे हैं. पुलिस को अभी बुलाओ, कॉल द पुलिस नाउ. उसने मुझे कल बुलाया, he called me yesterday. मैं उसे नहीं बुला सकता, I cannot call him. जब उसने फोन किया, मैं वहां नहीं था. When he called me, I was not there. मेरा नाम जॉन है, my name is John. उसे रात के खाने के लिए बुलाना जरूरी है. It is important to call him for dinner. मैं उसे फोन करना चाहता था पर मैंने नहीं किया. I wanted to call him
but I did not. मैंने उसे फोन नहीं किया क्योंकि मैं चिंतित था. I did not call him because I was worried. आपका नाम क्या है? What is your name? मुझे फोन करना चाहिए था. I should have called या फिर I should have phoned. आपने टिकट क्यों रद्द कर दिया? Why did you cancel the ticket? मैंने अपना होटल आरक्षण रद्द कर दिया. I cancelled my hotel reservation. आपने टिकट क्यों रद्द कर दिया? Why did you cancel the ticket? मैंने ट्रेन की टिकट रद्द कर दी है. I have cancelled the train ticket. यहां पर होना सम्मानजनक है. It is an honor to be here. आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान है. It is my honor to work with you. सेमिनार के बाद हमने शिक्षक का सम्मान किया. We honored our teacher after the seminar. मेरे पिता का राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया गया था. My father was honored by the president. मुझे सर्दियों में ठंड की वजह से कष्ट भुगतना पड़ता है. I suffer in winter because it is cold. क्योंकि वह बहुत सुस्त था, उसे कष्ट भुगतना पड़ा. He suffered because he was very slow. मेरी पत्नी सर्दियों में जुकाम से पीड़ित रहती है. My wife suffers from cold in winter. मेरी पत्नी को टांग में दर्द हुआ. My wife suffered pain in her leg. पिछले साल हमने मेक्सिको की यात्रा की. We traveled to Mexico last year. मेरी अगले सप्ताह हैम्बर्ग की यात्रा करने की योजना है. I plan to travel to Hamburg next week. हमने सेमिनार के लिए एक साथ मैड्रिड की यात्रा की. We traveled together to Madrid for the seminar. पैदल यात्रा करना अधिक आनंददायक है. Traveling on foot is much more fun. मुझे याद है कि हम एक साथ स्कूल गए थे. I remember that we went to school together. क्या आपको घटना याद है? Do you remember the incident? उसे घटना याद थी. He remembered the incident. मुझे फोन करना चाहिए था. I should have called. आप किससे बात करना चाहेंगे? Who would you like to speak to? मैं आपको दर्द के लिए कुछ दे सकता हूं. I can give you something for pain. मैं अपनी कार में यात्रा करना बेहतर समझता हूं. I prefer to travel in my car. क्या आपके पास परसों समय है? Do you have the time day after tomorrow? मैं तैर नहीं सकता. मेरी टांग टूटी हुई है. I cannot swim. My leg is broken.